अचानक बीत गए, 40 साल हो गए सेमीफाइनल में भारत नहीं खेला है। जी हाँ, ये सच है, भारत सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुका है ओलंपिक खेलों के। टोक्यो 2020 के सेमीफाइनल लाइनअप में आखिरी टीम होगी भारतीय मेंस हॉकी टीम। हॉकी दलर विजय रे कांदी पकाइले कमेंटर कमेंट्री बॉक्स रो वीडियो वायरल एको एभली दृश्य जहां गतकाली सारा देशर हॉकी प्रेमी अनुभव करथिबे। टोक्यो रो आस्ट्रो टॉपर रे इतिहास लेखुतला भारतीय पुरुष हॉकी दल आ भारत रो विजय सह सारा देश रे हॉकी प्रेमी को आखि खुशी रे छळ छळ होई जाउतला। सही समय रे हॉकी विजय रो प्रथम झलक देखिबा को मिलिथला कमेंट्री बॉक्स रे। आपणंक पाखरे टीवी परदा जरिए पड़िया रे घटुथबा टेक्निक घटनार तथ्य पहुंचाउथिबा कमेंटर गतकाली भारतर विजयर प्रथम साक्षी पालटिथिले। निर्धारित समय भितरे भारतीय पुरुष हॉकी दल 3-1 गोल रे ब्रिटेन को हराई विजय सुनिश्चित करिबा परे किछि एइभळि थिला कमेंट्री रूम रो दृश्य। मेरे पास भी शब्द नहीं रहे सुनील, कुछ कहने को रहा नहीं। दशक बीत गए, 40 साल हो गए सेमीफाइनल में भारत नहीं खेला है। जी हाँ, ये सच है, भारत सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुका है ओलंपिक खेलों के। टोक्यो 2020 के सेमीफाइनल लाइनअप में आखिरी टीम होगी भारतीय मेंस हॉकी टीम। मुबारक श्रीजेश, मुबारक हरमन, मुबारक गुरजंट, दिलप्रीत जिन्होंने इस महत्वपूर्ण मुकाबले में गोल किए, मुबारक टीम इंडिया और मुबारक भारत और मुबारक पूरे के पूरे हमारे हॉकी समर्थक जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली उस खराब हार के बावजूद अपना हौसला नहीं खोया, अपना विश्वास नहीं खोया और उसी समर्थन की बदौलत दशकों बाद ये स्कोर लाइन देखने को मिली है। इसको कैद कर लीजिए, 3-1 से भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को हराया है। गुरजंट ने गोल किया, दिलप्रीत ने गोल किया और आखिरी गोल सही समय पर आया हार्दिक सिंह की स्टिक से। ये बधाइयां, ये मुस्कुराहट बरकरार रहे। बेल्जियम में खेलेगी, बेल्जियम के खिलाफ खेलेगी अब टीम इंडिया सेमीफाइनल। रियो से एक कदम ऊपर गई है भारत की पुरुष हॉकी टीम और रियो से एक कदम ऊपर भारत की महिला हॉकी टीम भी गई है। ये प्रदर्शन दिल जीत लेने वाला है, ब्रिटेन के लिए दिल तोड़ देने वाला है। पर आज हम सिर्फ भारत की बात करेंगे। ये वो गोल जो कि सैम वॉर्ड ने निकाला था, इकलौता गोल जो उनकी स्टिक से आया था आज। ग्रेट ब्रिटेन के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका था वहां पर जो उन्होंने कन्वर्ट किया। हिंदी रे कमेंट्री करथुबा दुई कमेंटर सिद्धार्थ पांड्या और सुनील तनेजा एकदम भावविहोल होई पड़िथिले। 41 वर्ष परे ओलंपिक्स रे भारत इतिहास रचिथिबा कहि कांदी पकाइथिले। हातरे माइक धरी भारतर सेमी फाइनाल प्रवेश कथा कहिला बेले दुई भविष्यकारक आखिरु लुह बोई आसला एवं खुशी रे कंठरोद्ध होई जाउथला। गतकाली टीवी रे भारतीय पुरुष हॉकी दलर चमत्कार प्रदर्शन देखि समस्त हॉकी प्रेमी केते जे भाविहोल होई पड़िथिले जहां एही दुई कमेंटर को देखि जानि हेउछि। पुरुष हॉकी रो एही ऐतिहासिक विजय को मेट्रो टीवी तरफ रु अभिनंदन देवा सह भारत रो फाइनल विजय को अपेक्षा करूछि। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो टीवी। समस्त प्रकार स्वास्थ्य समस्यार आरोग्य केंद्र सिंपली केयर पॉलिक्लिनिक, ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, डेंटल, डायबिटोलॉजी, मेडिसिन विभाग स्पेशलिस्ट को द्वारा उन्नतमान चिकित्सा, समस्त प्रकार टेस्ट सहित रिपोर्ट, होम डेलीवरी सुविधा, अभिज्ञ फिजियोथेरापिस्ट को द्वारा क्लिनिक और घरे चिकित्सा व्यवस्था, समस्त प्रकार रोगी और वयस्क निम्ते होम नर्सिंग, सिंपली केयर पॉलिक्लिनिक। N2Y19, IRC Village, Napoli, Bhubaneswar,